भगवान श्री राम की 22 जनवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नीलोखेड़ी के पोलतेरिया में स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयर आजाद सिंह द्वारा अपने परिवार सहित हवन यज्ञ करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की सराहना करते हुए कहा कि 22 जनवरी को लोग अपने अपने घरों में दीपावली जैसा माहौल बनाएं एवं दिए जले। इस मौके पर डॉके के संधु, पत्रकार बिशपाल राणा, कदम सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर, मास्टर चमेल सिंह, बलबीर मराठा, लवली कुकरेजा, डॉ दविंदर पाल, गुलाब सिंह नंबरदार आदि काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जी सर, क्या कहेंगे, देश भर में रामलला को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है, इस तरह से देखते हैं आज हवन किया गया। इस देश के लोग, पूरे भारत वर्ष के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में 22 जनवरी के दिन जगह जगह पर ऐसे उत्सव मनाए जा रहे हैं, दीपावली मनाई जा रही है और कलयुग के इतिहास में 2024 में पहली बार देश में दूसरी दो वर्ष में दो बार दिवाली मनाई जा रही है, जो एक 22 जनवरी को मनाई जाएगी और एक जो हमारी मूल दिवाली जो अक्टूबर नवंबर में जो आती है, जिस दिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में श्री वापस आए थे उस दिन मनाई गई थी, और एक ये दिवाली मनाई जाएगी। ये न केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के इतिहास में एक नई चीज दर्ज होगी और इसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग होने जा रहे हैं, इस दिन पूरे भारत के लोग होने जा रहे हैं। वो सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करा रहे हैं। और इसके लिए आप सबको, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके हर कार्यकर्ता की ओर से, पूरे देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं इसके लिए। और मेरा सबसे आग्रह है कि इस दिन बहुत शांतिपूर्ण भाव से 11 से 1 बजे तक जहां भी अवसर मिले लाइव देखें, श्री अयोध्या जी का से जो लाइव चलेगा वो सब परिवार के साथ देखें, जहां जहां अवसर मिले कम्युनिटी सेंटरों में बैठ के देखें, मंदिरों में बैठ के देखें। जो पूरी एक व्यवस्था की गई है हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन करनाल में श्री करणेश्वर महादेव मंदिर में के प्रांगण में उस दिन सूचना है कि वो लाइव देखेंगे। और आप सब लोगों को भी निमंत्रण है कि आप जहाँ भी अवसर मिले वो इस तरह का लाइव देखें। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम श्री योगेंद्र राणा जी, हमारे महामंत्री श्री राजवीर शर्मा जी, हमारे महामंत्री श्री सुनील गोयल जी और पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी इस कार्य में लगी है और पूरे देश के लोग लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही तो सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहा है, बाकी लोग हमारे से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, ये हम भी मानते हैं और होने भी चाहिए। देश में भगवान श्री राम जो है ना सबके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक इतिहास रचा है, ये बताया है कि भगवान श्री राम सबके हैं और 500 वर्ष के बाद देश के इतिहास में भगवान श्री राम की के मंदिर की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इस दिन मेरा सबसे प्रार्थना है कि सब लोग अपने घरों में 11 बजे से पहले और 1 बजे के बाद जो भी धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं वो करें, कहीं कम्युनिटी सेंटरों में बैठ के, कहीं पार्कों में बैठ के, कहीं भी। और शाम के समय सभी मंदिरों में, सभी घरों में, शिवालयों में, सभी स्थानों पर दीप जलाकर दीपावली मनाएं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है इस पर्व को बहुत महापर्व के तौर पर मनाएं और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको इस तरह का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास किया है, जो आप लोगों के लिए मतलब दुनिया के इतिहास में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इसके लिए आप सबको एक बार फिर पुनः बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, निभा रहा हूँ। मेरा नाम आजाद सिंह है और हरियाणा सरकार में छोटा सा दायित्व है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में मैं उपाध्यक्ष के तौर पर, वाइस चेयरमैन के तौर पर
दायित्व निभा रहा हूँ, हरियाणा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, आदेश हैं कि हरियाणा के लोगों की सेवा में जो कुछ हो सकता है सभी लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और हमारा एक प्रयास है कि हम जो भी कुछ हो उसके लिए हम आप सब लोगों के। नीलोखेरी से धर्षण शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी के लिए।